दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्वास्तिका जस्ट रेट 2.0 एप्लीकेशन से कैसे आप नई वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और साथ ही उसमें कैसे आप स्टॉक को ऐड करेंगे और कैसे आप स्क्रिप्ट को डिलीट कर सकते हैं और कैसे वॉचलिस्ट को भी आप अपनी डिलीट कर सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे नीचे आप देखेंगे बॉटम पे आपको होम का बटन दिखेगा, वॉचलिस्ट, पोर्टफोलियो, मार्केट्स एंड रिपोर्ट्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉचलिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे वॉचलिस्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड पे जहाँ पे लिखा है ग्रुप वन, उसके बगल में आपको एक एरो का लोगो दिखेगा, उसमें आपको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑलरेडी वॉच लिस्ट बनी हुई है ABCD के नाम से, और एक उसके नीचे आप देखेंगे प्लस न्यू वॉच लिस्ट, ठीक है। न्यू वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप आएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वो बोल रहा है कि नेम ऑफ वॉच लिस्ट, आपको किस नाम से वॉच लिस्ट बनानी है। आप जैसे बनानी है आपको एक्स वाई जेड, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप स्क्रिप्ट सर्च करें, जो भी आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, आपको एक कैस की स्क्रिप्ट ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैस की स्क्रिप्ट आप कैसे ऐड करेंगे। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे डालेंगे SBIN, ठीक है। जैसे आप डालेंगे तो ये देखिए आपके सामने SBIN का आपको आ गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NSE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया BSE। आपको यहाँ पे फ्यूचर का भी दिख जाएगा, अगर फ्यूचर की स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो यहीं से डायरेक्ट आप ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैं NSE वाले उसमें ऑप्शन में क्लिक करूँगा। ये प्लस का जो साइन दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे स्क्रिप्ट सक्सेसफुली ऐड टू वॉच लिस्ट। बैक जाएंगे आप, बैक जाने के बाद इसके बाद आप ग्रुप में क्लिक करेंगे, XYZ पे क्लिक करेंगे। ये देखेंगे आप, आपकी जो वॉच लिस्ट है वो वॉच लिस्ट क्या हो गई है, आपका यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी की कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो सिंपल सा आपको सर्च वाले बटन में आपको क्लिक करना है। आपको जैसे सपोज़ निफ्टी ऐड करनी है तो आप जैसे मुझे 17,500 का कॉल ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 17,500 यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मैं टाइप करूँगा तो ये देखिए आपके सामने 17,500 का स्क्रिप्ट आ गया है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले में के 17,500 की सी दिख रही है, इसके बाद 17,500 का पी दिख रहा है, दोनों आपको दिख रहा है। चाहे आपको अगर कॉल ऑप्शन ऐड करना है कॉल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पुट ऑप्शन ऐड करना है तो आप पुट ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 17,000 जो 500 की कॉल ऑप्शन है उसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैं ये अपने वॉच लिस्ट XYZ जो मैंने बनाई है उसमें मैं क्लिक करूँगा, ओके। और ऐड में मैंने क्लिक किया, मेरा जो ये है वो बैक जाएंगे आप, तो बैक जाने के बाद XYZ पे जाएंगे। ये देखिए आपका ये स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं आपको एक बैंक निफ्टी की कॉल या पुट जो भी है मैं वो ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं फिर से यहाँ पे सर्च में क्लिक करूँगा, इसके बाद जैसे 34,500 का मुझे कॉल ऑप्शन ऐड करना है तो 34,500 मैं यहाँ पे डालूँगा। आप ये देख लीजिए बैंक निफ्टी की 34,500 की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों आ चुकी है, ठीक है। एक्सपायरी भी इसमें लिखा हुआ है 13 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। आप चाहें तो 21 अप्रैल का भी ऐड कर सकते हैं। आप देख पाएंगे उसके नीचे सेकंड ऑप्शन जो पी है उसके नीचे आप देख पाएंगे
21 अप्रैल का भी आपको दिख जाएगा। तो सिंपल सा मुझे अभी 13 अप्रैल वाली में ही लेना है मुझे, तो मैं प्लस वाले आइकन में क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं अपने ये जो एक्स वाई जेड जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई है उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगा। ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको बैक जाना है और अपने वॉच लिस्ट जो आपने क्रिएट की है उसमें जाना है। आप ये देख पाएंगे बैंक निफ्टी के जो 34,500 का कॉल ऑप्शन आपने ऐड किया था वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कमोडिटी, अगर जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, इनमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इनके कॉल ऑप्शन पे या फिर आप इन पे फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं और कुछ नहीं करना है। अगर अलग से वॉच लिस्ट बनानी है कमोडिटी के लिए तो अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हैं या फिर आप इसी में स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रूड, सिंपल सा आप क्रूड टाइप करेंगे। आप ये देख लीजिए आपके सामने क्रूड क्रूड की स्क्रिप्ट आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखेंगे आप क्रूड ऑयल की जो future.com की है तो आप देख पाएंगे 22 अप्रैल का ये है, इसकी एक्सपायरी 22 अप्रैल की है। तो आप अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से क्या करेंगे, ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक्स वाई जेड में क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप अपने वॉच लिस्ट में एक्स वाई जेड पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल की जो आपने स्क्रिप्ट ऐड की थी वो स्क्रिप्ट ऐसे एज अ स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। अगर आपको क्रूड के अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो भी आप इसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपको यहाँ से डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए भी आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको जो ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। जो भी स्क्रिप्ट आपको डिलीट करनी है सिंपल सा जो बगल उसके बगल में आपको डिलीट का बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको ये वॉच लिस्ट ही डिलीट करनी है एक्स वाई जेड की तो सिंपल सा आपको नीचे आना है। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे राइट साइड पे आपको दिखेगा डिलीट वॉच लिस्ट का एक बटन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच एक्स वाई जेड, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप इजीली इसको डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो जो भी है वो सारी डिलीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे आप ये बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है। ठीक है, थैंक यू।